टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप लोग अच्छे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और सितंबर का महीना आने वाला है और सितंबर के महीने में हमें बहुत सारे ढेरों फोन दिखाई देगा, क्योंकि सितंबर के महीने में बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाला है। आज उन फोनों के कुछ डिटेल्स हम आपको बताएंगे और कौन कौन फोन अच्छा होगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बार। और टेक सुबुजी में आपसे स्वागत है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो फोन मैं आज बताऊंगा तो एक बार फोन को चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया फोन होने वाला है सितंबर के महीने में जो फोन आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं IQ से। IQ का जो फोन लॉन्च होने वाला है वो है IQ Z6 Lite। वो होगा Vivo का T1X का रीब्रांड होगा। उसमें हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। और दूसरा जो फोन आने वाला है वो है मोटोरोला का H30 फ्यूजन। उसमें हमें देखने को मिलेगा 6.44 का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और बैटरी देखने को मिलेगा 4400 mAh का बैटरी। और जो प्राइस हमें देखने को मिलेगा वो है 29,000 में। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888+ का एक बहुत बढ़िया पावर वाला एक चिपसेट। और उसके बाद हमें आते हैं मोटोरोला का रेजर 3 2020 का एक एडिशन मॉडल देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा LPDDR का 5GB रैम और UFS 3.1 का देखने को मिलेगा, और स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम आते हैं Xiaomi का Xiaomi 12T। इसका प्राइस होगा 30,000 के पास। जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो है MediaTek Dimensity का 8100 का एक बहुत बढ़िया एक पावरफुल प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। इसका जो रैम होगा वो है LPDDR5 का और UFS 3.1। जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट OLED डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं Redmi 11 Prime 5G। इसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity का 700 प्रोसेसर, जो इसका प्राइस होगा वो है करीब 11,000 के आसपास। फिर उसके बाद हम आते हैं Poco का M5, जो इसके हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो है MediaTek Helio का G99 प्रोसेसर और इसके प्राइस होगा करीब 13,000 के आसपास। फिर आते हैं Poco M5 Pro, जो इसका प्रो वेरिएंट है। अभी तक हमें प्राइस और प्रोसेसर का अभी तक हमें नहीं मालूम चला है कि कौन इसमें होगा, पर वो लॉन्च के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिर गाइस हम आते हैं Infinix की तरफ। Infinix ने अपना न्यू फोन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा Infinix Zero Ultra 5G। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 200 MP का एक मेगापिक्सल का बहुत बढ़िया कैमरा देखने को मिलेगा, पर अभी तक पता नहीं कि 200 MP का जो कैमरा होगा अच्छा होगा कि बहुत बढ़िया होगा। सब कहने में तो कहते हैं कि 200 MP का कैमरा है, पर अगर वो फोन ऑप्टिमाइज नहीं होता है तो कैमरा भी अच्छा नहीं होगा। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 180 का चार्जर देखने को मिलेगा, बहुत तगड़ा चार्जर होगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है MediaTek Dimensity का 920 का एक पावरफुल चिपसेट और इसका जो प्राइस होगा वो है 25,000 के करीब। फिर आता है Realme की तरफ से, Realme GT Neo 3T, जिसके हम बहुत बेतबरी से वेट कर रहे थे, वो सितंबर के महीने में आने वाला है कि Realme GT Neo 3T। उसके हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर वो है स्नैपड्रैगन का 875G का चिपसेट। ये जो चिपसेट है, मैंने बहुत सारे फोन को इस्तेमाल किया है पर ये जो चिपसेट है 870, इस चिपसेट को सबसे ज्यादा फ्लैगशिप और बहुत स्टेबल प्रोसेसर माना गया है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 80 वाट का चार्जर, 6.62 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसका जो कैमरा है वो है 64 MP 8MP प्लस 2MP। इसका प्राइस होगा 27,000 के आसपास। फिर हम आते हैं Realme की तरफ से, Realme Q5। ये जो फोन है उसके हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर वो है 80 वाट का चार्जर, IPS LCD डिस्प्ले और इसके जो प्रोसेसर है वो है 695 का स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हमें बहुत सारे फोनों में देखने को मिला है और ये जो प्रोसेसर है एकदम से ज्यादा मैं गेमिंग के लिए भी नहीं कहूंगा, बहुत बेहतर है। टुक टक आप गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा गेम भी आप खेल सकते हैं, पर ज्यादा गेमिंग के लिए नहीं बनाए ये चिपसेट। फिर हम आते हैं Realme C33। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एक यूनेसो का टाइगर T618 का एक चिपसेट, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी और 80 वाट का एक क्विक फास्ट चार्जर। फिर गाइस हम आते हैं Asus की तरफ से, Asus ZenFone 9 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है पर अभी तक हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला है। अब Asus 9 का जो फोन है Asus ZenFone 9, वो हमें देखने को मिलेगा
इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 5.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। फिर हम आते हैं वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं वन प्लस का सेट यूज करता हूँ। जो वन प्लस का जो सेट है वो है 10RT, इसके हमें देखने को मिलेगा एमोलेड 120 हर्ट्ज और 50MP का कैमरा, पर अभी तक हमें इसके ऑल डिटेल्स नहीं मालूम चला है। जब हमें मालूम चलेगा तो हम आपको न्यूज प्रोवाइड कर देंगे। और फिर आते हैं वन प्लस नॉट 3, जो नॉट 2 का जो सक्सेसर है वो है नॉट 3। नॉट 3 हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इंडिया में, क्योंकि नॉट 3 का वेट हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि कब कब वन प्लस नॉट 3 लॉन्च होगा। तो वन प्लस नॉट 3 के हमें अंदर देखने को मिलता है कि 8100 का डायमंड सिटी का एक बहुत तगड़ा फ्लैगशिप प्रोसेसर, और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 80 वाट का चार्जर। और एंड में जो हम आते हैं वो है ओप्पो फाइंड एन टू। ओप्पो फाइंड एन टू एक बहुत कम बजट में एक फोल्डिंग फोन होगा, जो सैमसंग बहुत ज्यादा मार्केट में लॉन्च करते हैं फोल्डिंग फोन, और ओप्पो बहुत कम प्राइस में फोल्डिंग फोन अवेलेबल करेगा ऑल ओवर ग्लोबल या फिर इंडिया मार्केट में। बहुत जगह पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्राइस में फोल्डिंग फोन मिलता है, पर ओप्पो बहुत कम प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। इन फोनों में से कौन सा फोन अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो इन फोनों में से मैं तो वन प्लस नॉट 3 का वेट कर रहा हूँ और रियलमी GT 3 का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दोनों फोन लॉन्च होगा, और मैं देखूंगा उन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं रियलमी का बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, पर रियलमी का जो GT का जो फोन है वो GT एडिशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और रियलमी भी मैं यूज करता हूँ तो रियलमी भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और मैं वन प्लस भी यूज करता हूँ और वन प्लस मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसके जो ऑक्सीजन वे से बहुत ही बढ़िया है। पर फिलहाल अब वन प्लस ओप्पो के साथ मार्च हो चुका है, तो अब हमें ऑक्सीजन ओएस तो नहीं देखने को मिलेगा, अब कलर ओएस आएगा, पर अभी तक हमें कलर ओएस का कोई भी झलक नहीं देखने को मिला है। पर वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है मुझे अभी तक बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस आज यही बारी का काम करते हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा। तो गाइस तो देखिए।